नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y22 2022 वर्सेस Tecno Pop 6 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y22 में 6.47 इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y22 में 0.33 इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि 22 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y22 में 20:1:9 जबकि Tecno Pop 6 Pro में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y22 में 6.55 इंचेस जबकि Tecno Pop 6 Pro में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y22 में 82.84% जबकि Tecno Pop 6 Pro में 82.74% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y22 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 22 में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Tecno Pop 6 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Tecno Pop 6 Pro की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Tecno Pop 6 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y22 में माली G52 MC2 जबकि Tecno Pop 6 Pro में पावर GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y22 में MediaTek Helio G70 और Tecno Pop 6 Pro में MediaTek Helio मिलता है। बात करें RAM की तो Y22 में 4 GB जबकि Tecno Pop 6 Pro में 2 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Y22 में 64 GB जबकि Tecno Pop 6 Pro में 32 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y22 में अप टू 1 TB जबकि Tecno Pop 6 Pro में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y22 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Tecno Pop 6 Pro की तो वो 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,900 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y22 2022 में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Pop 6 Pro की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 22 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 22 आगे है।
दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11S है, दूसरा Xiaomi Redmi 10S Sport है, तीसरा Poco C31 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।